Hare Krishna, Ronak ji, how are you? I'm good, how are you? Nice to meet you. Same here. Welcome to Hare Krishna Land. Thank you so much. मैं आप लोग सभी का स्वागत करता हूँ हरे कृष्णा लैंड में, इस्कॉन जू में. सो आज हम देख रहे हैं, वी आर ऑन अ स्पेशल फूड ट्रिप. Sounds exciting to me. Yes, पहले ऑलरेडी हमने जो टूर वीडियो निकाल दिया है, सो नाउ लेट्स शूट. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम हरे कृष्णा लैंड के अंदर जो भी खाने की चीज़ें वो एक्सप्लोर कर रहे हैं. सो आप लोग जो देख रहे हैं हमारे साथ, लेट मी इंट्रोड्यूस यू. ही इज़ माई डियर फ्रेंड रौनक राठौर एंड ही इज़ अ फूड ब्लॉगर. सो गो चेक आउट हिज पेज, स्पून्स ऑफ मुंबई. यस, स्पून्स ऑफ मुंबई. सो चलिए हम आपको लेके जाते हैं. सबसे पहले तो आप जानते हो मंदिर अंदर है, द टेम्पल इज इनसाइड. वी विल गो टूवर्ड्स द फूड स्टॉल. गुरुजी मैंने बहुत सुना है, जैसे यू नो मतलब कि इस्कॉन में अगर आप आओगे तो यहाँ का खाना बहुत फेमस है, मतलब खाने से भी बहुत लोग जाने जाते हैं. तो आप मुझे बताएंगे कि स्पेशलिटी क्या है और आप हम लोग आज क्या ट्राई करने वाले, कि ये पूरा सरप्राइज है आज मेरे लिए. सो जब से कोरोना की वजह से मंदिर बंद था, अभी कोरोना के बाद मंदिर खुला है. सो हम टेस्ट कर रहे हैं आज के जो इधर का स्पेशलिटी है स्वीट स्टॉल में, हमारे जो मंदिर के चाट और स्वीट्स स्पेशली. और क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का जो चाट है विदाउट अनियन गार्लिक में आपको बाहर के चाट से और ज़्यादा टेस्टी लगेगा. ये आएगा क्या अनियन गार्लिक? बिल्कुल आएगा. तो आइए, चलो एक्साइटेड हूँ ये देखने को. सो आइए. सो हमारे साथ चतुर्भुज प्रभु हैं जो स्वीट स्टॉल के इंचार्ज हैं. हरे कृष्ण. थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच. तो आपने जैसे सुना यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी भगवान को भोग लगा हुआ है, प्रसाद मिलता है. सो प्रभु जी क्या स्पेशल है हमारे लिए आज? ओह जय जय हो, वाह वाह प्रभु जी. आज लगता है खा मतलब जो प्रसाद है, क्योंकि आपने मुझे बताया अभी कि ये सब कुछ भगवान को भोग लगता है. बिल्कुल सही. तो मुझे लगता होगा कि ये बहुत प्यार से जब ही बनाया है, आप भगवान को भोग भी लगाते हो, तो इसका स्वाद थोड़ा. ऑफ कोर्स, इसमें खास बात यह है कि भक्त लोग जो बनाते हैं, हाँ नॉर्मली क्या होता है बाहर के लोग में जब बनाते हैं, सो भक्त एक प्रेम डालता है, इमोशन डालता है. सो जब वो इमोशंस खाने में आते हैं, दैट बिकम्स प्रसाद. वो जलेबी मेरे को खींच रही है वहाँ पे, मतलब चलो फिर. सो आइए. Let us. Oh, oh. जी, ये जलेबी तो मुझे एकदम, इसमें पिस्ताचियो है तो ड्राई फ्रूट्स भी डाले और मैं रुक नहीं सकता हूँ. ट्राई द जलेबी फ्रॉम हरे कृष्णा टेम्पल. तो मैं फर्स्ट बाइट लेता हूँ. गुरु जी आप प्लीज ज्वाइन कीजिए हमें. ये जो जलेबी मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, सॉरी बट मैं एक चीज बोलूंगा पहले तो, यू नो आप बाहर जलेबी खाते हो तो आपको एक अलग टेस्ट रहता है. मैंने जैसे फर्स्ट बाइट लिया, मेरे को एक चीज पता चल गई, उसको देसी घी में बनाया, 100% देसी. आपको पता चल जाएगा, मुझे डिफाइन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर की जलेबी से काफी अलग है. तो घी का जो टेस्ट है ना वो एकदम प्रॉपर आ रहा है. जेठालाल लवर्स, मेक श्योर वन थिंग, आप लोग आ जाओ ये जलेबी फाफड़ा खाने को. एकदम साउंड सुनो बस, क्रिस्पी है, मज़ा आ जाएगा. तो हमारे दिन की जो शुरुआत हुई है ना मीठे से, एकदम सही वाली और क्रिस्पी फाफड़ा, तो टॉप इट अप ऑल यू नो. गुरु जी अभी मेरे को मेरा एक्साइटमेंट लेवल जो है ना वो थोड़ा अभी बढ़ते जा रहा है. तो अभी 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 और क्या टेस्ट करने वाले हैं? क्योंकि यहाँ पे इतनी चीज़ें दिख रही है ना मुझे, तो मैं जल्दी ऐसे जाता हूँ तो एक चीज़ खाई दो चीज़ खाई, लेकिन यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें दिख रही है और गुरु जी है साथ में, तो मेरे को लग रहा है आज गुरु जी सोने का कोई बंदोबस्त है क्या यहाँ पे? गेस्ट हाउस भी है, उसके लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे कभी. सो लेट्स ट्राई सम समोसा विद चटनी. मिर्ची. ओह मिर्ची पे एकदम नमक डाला मैंने, मेरे को अभी ये ट्राई करना है. समोसा वेरी हॉट.
यही सीधा मसाला इन इट लाइक फिलिंग एकदम पूरा फिलिंग करके रखा है इसमें. ऐसा नहीं है कि यू नो जनरली आप देखते हो प्रभु जी की फिलिंग में थोड़ा हो जाता है ऊपर नीचे. प्रभु जी ये भी घी में फ्राई किया है क्या? वो आपको उनको पूछना पड़ेगा बिकॉज इसका जो फिलिंग है और आप इसका क्रस्ट देखो यार. मैंने क्रस्ट देखे बहुत सारे. मैं आपको क्रस्ट दिखाता हूँ. इतना मोटा क्रस्ट है कि एकदम गर्म भी है मोटा क्रस्ट भी और मसाला स्पाइसी है एकदम मस्त. जैसे एक परफेक्ट समोसा में होना चाहिए वैसा स्पाइसी है और मीठी चटनी के साथ एकदम मस्त जा रहा है. लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा प्रभु, ये मिर्ची है ना इसके साथ परफेक्टली बैठती है. जिसको स्पाइसी पसंद है नमक मारा है मिर्ची पे. मैं स्पाइसी का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ इसे मैं नहीं खाने वाला. आई हैव अ स्वीट टूथ सो या द समोसा इज ऑसम रियली ऑसम यू नो. समोसा वड़ा पाव दही दही वड़ा यहाँ पे सब कुछ मिलता है. सी ऑल कैन कम एंड ट्राई इट. आई गेस कचौरी भी मिलती है. आई कैन सी कचौरी वगैरह. तो चलिए समोसा के बाद हम चलते हैं चाट काउंटर पे. यहाँ का फेमस चाट स्पेशली ये चाट काउंटर में मेरे को सबसे ज़्यादा फेवरेट पपड़ी चाट लगता है. ट्रस्ट मी पपड़ी चाट और दही बल्ले प्रभु जी के बहुत अच्छे हैं. तो प्रभु जी एक पपड़ी चाट बना दीजिए ना. हरे कृष्णा. वाओ द फेवरेट पार्ट अबाउट दिस इज द पोमोग्रेनेट. आई एक्चुअली लव द पोमोग्रेनेट फिलिंग ऑन टॉप. थोड़ा स्वीट टेस्ट क्रंची. यस सो दही पापड़ी चाट. तो ये पापड़ी चाट है. पापड़ी चाट है ओके. हाँ अच्छा जी ये दिख रहा भी बहुत इंटरेस्टिंग है. बट मेरे को एक चीज़ बता दो यार पहले. मैं सही में आपसे कंफर्म कर रहा हूँ. ओके इसमें सच में ऑनियन गार्लिक नहीं है. 1% भी नहीं है. दही पापड़ी चाट ऑफ द टेंपल. तो एक पूरा है वाव. तो एक पीस में मेरे को सब आया. देख लिए देखिए ये जो चकुंदर यू नो जैसे बीट रूट वो है सेव है थोड़ा चटनी लग रही है मस्त. स्प्राउट भी यूज़ किया आपने गुरुजी. स्प्राउट यूज़ किया आपने. अच्छा अनार भी है. ग्रीन मूंग स्प्राउट डाला है. ग्रीन मूंग डाला है ओके. वाओ इससे गुरुजी मसाला क्या डाल रहे हो आप इसमें? स्पेशल है आपका. एक मिनट मैं रिव्यू देता हूँ हम लोगों को. एक मिनट. सो मैं स्पेशली गुरुजी मैं एक चीज बोल रहा हूँ आपको. आपको नहीं बोल रहा हूँ आपने मेरे को बोल दिया. ये आके खाओ यार. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. मैंने बहुत जगह पे खाया है ये मसाला. मैंने जो उनको ये सीक्रेट है मेरे को जरा बता दो ना. मैं किसी को नहीं बताऊंगा. पक्का यार मेनी रेस्टोरेंट्स आई गो देयर एंड यू नो दे आर नॉट रेडी टू गिव गिव मी देयर सीक्रेट. लुक दिस गुरुजी इज सो हैप्पी टू गिव मी हिज सीक्रेट बिकॉज ऑफ द टेस्ट. ये मसाला है ना इसको एक अलग लेवल पे लेके जा रहा है. और इसके अंदर जो चटनी है तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ इसमें मुझे मजा किस बात की है. इसमें आलू है इसमें बूंदी है इसमें स्प्राउट है इसमें वो दही वड़ा का जो वड़ा भल्ला वो भी डाला है. मतलब अगर किसी को सब कुछ खाना है ना मतलब और कंफ्यूज हो कि यार चाट में आके मैं क्या खाऊं तो ये ले लो यार. और वो जो कांदा लहसुन वाली बात है ना मतलब आई हैव टेक इट बैक ना. और सब लोग आप लोगों को भी मैं वही बता रहा हूँ कि आके खाओ. और ये जो मैं भी सोचता हूँ यार कांदा लहसुन बगैर कैसे बनेगा चाट. लेकिन यार मेरे को पता नहीं ये मसाला एंड द चटनी गाइस चटनी इज टेकिंग इट टू अ डिफरेंट लेवल. ऑल्सो द दही विच इज यूज ठंडा है एकदम खट्टा भी नहीं है मीठा भी नहीं है. परफेक्ट दही है. परफेक्ट दही है. तो अगर किसी को चाट पसंद है ना भाई मेरे को बहुत पसंद है.
मेरे को ही बहुत पसंद है, बट जब मैं बाहर जाता हूँ मेरे को यही प्रॉब्लम होता है कि लोग कांदा लहसुन के साथ बनाते हैं। तो जब भी मैं इधर हूँ इन हाउस वन पपड़ी चाट। ये एक सीक्रेट रेसिपी, मुझे नहीं पता था कि आप बोलोगे कि मुझे पता भी नहीं चल रहा है टू बी वेरी फ्रैंक। ऐसा नहीं कि मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ, बट आप खुद आओ यहाँ पे, आप टेस्ट करो, आपको पता चलेगा कि अगर मैं बोलूँगा कि यार ये चटनी में लहसुन नहीं है, ऐसा नहीं, मेरा जो परसेप्शन है वो चेंज ऑलमोस्ट हो गया है। और मुझे प्रभु जी का जो फेस है ना उससे मेरे को ऐसा लग रहा है अभी कि मेरे को और चौंकाने वाले हैं। ऐसा है क्या, कुछ प्लान है आपका ऑलरेडी? ये तो शुरुआत है अभी, आप सोच सकते थे 20% हमने किया है और 80% बाकी है। वाह, मतलब मेरा 20% में मुझे इतनी मजा आ चुकी है आज ही आपके लिए अभी इतना। हाँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना अच्छा है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है पूरा खाने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो चाट है ना यहाँ का, ये ऐसा है कि समझ लो कि भले मुझे पता है कि प्रभु जी मुझे और सारी चीज़ें खिलाने वाले हैं, बट मेरे को मैं ये रुकने नहीं वाला हूँ, क्योंकि इतना अच्छा ही, हाईली रिकमेंडेड गाइस, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, दिस थिंग, ये दही पापड़ी चाट वट एवर इट इज, हाईली रिकमेंडेड। एक और चीज़, हाँ मतलब मैं एक और चीज़ बोलूँगा, आप लोग जू बीच आते हो, एवरीवन इज इफ यू आर कमिंग टू जू बीच, यू नो आई एम, मतलब बाहर से जो लोग आते हैं प्रभु जी वो लोग के लिए जू बीच पाव भाजी, जू बीच एनी चाट चाट बात बिल्कुल सही। हम लोग पक चुके हैं, मैं तो बॉम्बे में रहता हूँ तो वहाँ का पक चुके हैं, हम लोग डिफरेंट प्लेसेस ट्राई करते हैं बीइंग ब्लॉगर, तो यहाँ पे ज़रूर आइए, मैं आपको यही बता रहा हूँ, थोड़ा यूनिक टेस्ट है, बिकॉज मेरे को पता है पोमोग्रेनेट बीटरूट और ये सारी चीज़ें कोई नहीं डालता है। एग्जैक्टली मतलब वही बता रहा हूँ मैं। तो दिस वॉज द चाट विच वी हैड हियर। सो अभी चाट लेने के बाद आइए, आई टेक यू टू द साउथ इंडियन कॉर्नर। नुक्कड़, ये साउथ इंडियन नुक्कड़ है। द स्पेशलिटी ऑफ दिस इज यहाँ वेज उत्तपम बहुत फेमस है, एंड वेज उत्तपम ट्रस्ट मी, आप एक खाएंगे ना आपका पेट भर जाएगा, लाइक इसके बाद आप कुछ खा नहीं पाएंगे, लाइक लिटरली ऐसा है, बहुत बड़ा होता है, फिलिंग है, बहुत बड़ा है, बहुत फिलिंग है, एंड द सांभर चटनी इज ऑथेंटिक, मैं बचपन से खा रहा हूँ। सॉरी टू इंटरप्ट, ये मेरा स्पेशल सवाल है आपका, सांबर में भी विदाउट अनियन गार्लिक तो कहीं पे मिलने ही नहीं वाला मुझे? नहीं, एवरीथिंग मिस भी नहीं कर रहा हूं, एवरीथिंग इज फुल्ली सात्विक, वाओ, गुड फॉर द माइंड बॉडी एंड सोल। सो प्रोबली अगेन एक्साइटेड, तो क्या लगाना है हमारे लिए? एक उत्तपम बनवा दीजिएगा, उत्तपम, वेज उत्तपम, वेज उत्तपम। यार साउथ इंडियन गुरुजी, साउथ इंडियन की जो बात है ना वो थोड़ी अलग है, मतलब ये ऐसी चीज है कभी भी खा लो आप, मतलब उठ के भी मुझे अगर कोई बोलेगा ये ले डोसा, ये ले इडली, हो गया आपका। अभी यार मेरे को पानी आ रहा है अभी से, प्रभु हम लोग स्पेसिफिकली कल रात से फास्टिंग कर रहे हैं जस्ट जोक है, सॉरी दो दिन से फास्टिंग चल रहा है, दो दिन से चल रहा है। आप बहुत जगह पे, मैंने आपके ब्लॉग्स देखे हैं, ब्लॉग्स देखे हैं, बहुत जगह पे आप गए हो, हाँ, उत्तप्पा खाने या जो बड़ा पाव है, स्ट्रीट फूड। ओ अभी आपने घी डाला, वाह, उत्तप्पा ऑयल नहीं यूज़ करते हो, तो ये मेरे को भी नहीं पता था, यू टेक इट। जय हो, ये मेरे को थोड़ा, दिस इज अ स्पेशल वेजिटेबल उत्तप्पा, माय गॉड, यू सी दैट गुरु जी, ये जो अरोमा आ रही है ना इसमें से, मतलब आई कैन, मेरे को खाना है अभी, बहुत हो रहा है, मैं वही बोल रहा था कि इसको अकेले आप खत्म नहीं कर पाओगे, अभी खत्म किया तो आखिर आज के लिए इतना ही खत्म करना पड़ेगा ब्लॉग, घड़ी घड़ी खोलो मत, वो अरोमा आ रही है मेरे पे। सो आइए लेट्स इसको टेस्ट करके, लेट अस इसको डाइसेक्ट करते हैं हम अभी, लेट अस डाइसेक्ट दिस, आई होल्ड इट, नहीं नहीं नहीं, आई होल्ड इट, ठीक है, आई वांट यू टू टेक द फर्स्ट बाइट ऑन, पता चले कि मेरे को अरोमा से ही थोड़ी मजा आ रही है, थोड़ा पैसे हो रहा है मुझे अभी, वेरी हॉट, वेरी वेरी हॉट, गर्मा गर्म फ्रेश, घी में बनाया हुआ, गाइस बटर वाला सीन नहीं है, वो जो मार्जरीन डालते हैं बहुत लोग, मार्जरीन, दिस इज, आप मुझे लगा ऐसा योगा ध्यान में, दिस इज अ फूड योगा व्हिच इज गोइंग ऑन ओवर हियर। I
कैसा लग रहा है? आई अग्री कि आपका बेस्ट सेलर क्यों है मुझे पता चल रहा है, क्योंकि इसका बैटर भी काफी डिफरेंट है. आई लाइक फिलिंग, इट इज वेरी फिलिंग एंड इट इज सॉफ्ट एंड इट इज द मूवमेंट आउट देयर, एक ऐसा फीलिंग आता है ना. देखो एक चीज और समझ में आई है ना, डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैटर जो एक उत्तपम लोग रेस्टोरेंट में खाते हैं, वो थोड़ा अलग है. हाँ, ये थोड़ा अलग है. आई गेस अगेन बिकॉज ऑफ द घी फैक्टर इन इट, ये वो जो टेस्ट है. एंड यू नो व्हाट, ये जो वेजिटेबल्स जैसा हाथ से उन्होंने यहाँ पर डाला है ना, उनका जो बर्न्ड कोल मतलब ऐसा जो फ्लेवर आता है ना, थोड़ा स्मोक 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 स्मोकी. सांभर भी बहुत मस्त है. मैं आपको बताऊँ, अगर आप चेन्नई जाओगे आपको थोड़ा गाढ़ा सांभर मिलता है. मुझे जहाँ तक याद है, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखा है उडुपी टेम्पल, उडुपी रेस्टोरेंट्स आर वेरी फेमस. आई गेस इन उडुपी रेस्टोरेंट्स आल्सो दे फॉलो दिस बिकॉज दे आर डिवोटीज ऑफ कृष्णा. कृष्णा, या सो माधव संप्रदाय. या सो दिस इज द सेम वाटरी सांभर विच यू गेट इन कर्नाटका एवरीवेयर, यू नो, जैसा थोड़ा वाटरी है, थोड़ा वो रसम टाइप्स टच दे रहा है. You can feel the tanginess, like tanginess. You know, the imli ka jo taste hai na, wo acche se aa raha hai. Isko agar aapko pata hoga, in Andheri is there is one dabeli wala, covered him on my channel, naaz ke banata hai dance dabeli, and unka aisa hai ki 1 minute mein, oh sorry, 10 minutes 100 dabeli, 10 minute mein 100 dabeli, baap re. बट एक और है, मैंने उनका भी खाया है, नो डाउट टेस्ट इज वेरी गुड, इज वेरी फेमस. पर फीलिंग जो यहाँ पे है, मतलब आप लोग हर चीज सब भर भर के क्यों देते हो? देखो यहाँ पे भी देखो, सब सुपर हॉट एंड दिस इज व्हाट आई टेल यू, व्हाट इज दिस ये अंदर जाके एकदम और करने वाला है. बट ठीक है, इफ यू आर अ फूडी, आई डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स. थोड़ा और साइकिलिंग कर लो, थोड़ा भाग लो. जू बीच पास में है, आई वेंट फॉर अ जॉग इन द मॉर्निंग. आई थिंक आप जितना मुझे आज खिला रहे हो ना, जॉग इज नॉट गोइंग टू बी इनफ, आई हैव टू गो स्विम एंड गो टू द अदर शोर ऑल्सो. तो उतना भी मुझे करना पड़ेगा, बिकॉज एक के बाद एक. आप मुझे पहले दिल्ली लेके गए, चाट खिलाया, फिर साउथ इंडिया लेके गए, कर्नाटक लेके गए, और अभी गुजरात लेके आए. अभी यहाँ से मुझे पता नहीं, मेरे को लग रहा है आप यहाँ से सीधा मुझे इंडिया के बाहर ही लेके जाने वाले हो. वही प्लान है, दैट इज अ प्लान. रियली? यस, दैट इज अ प्लान. अभी सो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं. ये ले लो, गरम है, लेता हूँ. गरम, हॉट है एकदम, गर्मा गर्म यार. ये डाल के लो. हरे कृष्णा टेम्पल में ऐसा है क्या, सब कुछ ज्यादा ही देते हो आप? मतलब भर भर के ही देते हो? प्रेम से, प्रेम प्रेम से. This peanut, masala peanut, dabeli goes well. They put some pomegranate in this also. Yeah, pomegranate. That is because of the crunchiness, different flavor also. Like, you know, sweet, tangy, this masala. Decent. So, you know, if you are bored of this vada pav and you need a different kick to the pav thing, generally dabeli is very good. Spicy nahi hai, thoda ekdam mast flavor, and that butter flavor, you know, when they grill it, I can taste the, it's like buttery pav. Buttery pav. Buttery pav. And see, this is what I'm doing. So, आइए आपको नॉर्थ लेके गए, साउथ लेके गए, वेस्ट लेके गए इंडिया के. अब चलते हैं अमर सोनार बांग्ला. ओए बांग्ला, सोनार बांग्ला. जैसे आप बांग्ला का बात करोगे ना गुरुजी, तो मुझे हमारे दिमाग में एक ही चीज चमकता है, रसोगुल्ला. रसोगुल्ला, रसगुल्ला नहीं, रसोगुल्ला. मतलब आपके मुंह में जब रसगुल्ला होता है, तो आप जब बोलते हो तब वो बोलता है रसोगुल्ला. रसोगुल्ला. तो बट रसोगुल्ला के अलावा भी काफी चीजें मुझे दिख रही है. यस, तो एक फेमस बंगाली स्वीट है मलाई सैंडविच. तो मलाई सैंडविच मतलब ऊपर सम जैसे रसगुल्ला रहता है ना. हाँ. रसगुल्ला का आउटर पार्ट और अंदर क्या रहता है प्रभु जी? मलाई सैंडविच क्रीम. यस, सो दैट इज व्हाई आई हैव अ स्वीट टूथ. गुरु जी, मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा. आप क्या कुछ टारगेट लेके आते हो क्या यहाँ पे कि कैलोरी काउंट बढ़ाना है मुझे लोगों का इतना इतना ऐसे? ये पता है कैलोरी काउंट कैसे मैं घटाता हूँ? हाँ?
संकीर्तन करके नाच के और गा के संकीर्तन मतलब आप जो मंदिर में जब कीर्तन होता है सो वी बर्न आवर कैलोरीज इन दैट ओनली फुल फ्लेज्ड में मतलब फुल फ्लेज्ड Look at this, guys. Look at this. This is so tender, and I'll tell you. Look at the cream inside. It's a cream filling. I'll show you one more side of it. This is cream fill. Kiya, itna tender hai. Chala se karna nikaliye. Trust me. This is one of the best sweets, Indian sweets. This is one of the best Indian sweets here. Jo aapko milega. But I tell you कि ये जो बंगाली पीपल आर सो स्वीट आई गॉट इट नाउ बिकॉज दे ईट स्वीट दे ईट रसगुल्ला दे ईट मलाई सैंडविच वेरी गुड Guys, have a close look at this rasmalai, you know. I guess this is yellow because of the केसर you put in. Yes. Okay. So प्योर काओ मिल्क से बना हुआ देसी काओ मिल्क केसर एंड आप देख रहे हैं ये पिस्ता मिल्क पिस्ता राइट या पिस्ताचियो 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 इन विदेशी विदेशी एक्सेंट ये भारतीय में पिस्ता तो ये पिस्ता के साथ है और केसर फ्लेवर्ड रसमलाई आइए ऑल्दो आई एम नॉट अ स्वीट गाय बट मुझे डेजर्ट इतने पसंद नहीं है पर यहाँ के ना इट्स वर्थ ट्राइंग बिकॉज आई गेस मोर प्योर मोर यू नो रिलैक्सिंग ज़्यादा स्वीट भी नहीं लग रहा है मुझे कुछ इट्स द परफेक्ट अमाउंट ऑफ ऑसमनेस दिस इज वर्थ ट्राइंग दिस इज मेल्टिंग इन योर माउथ इट इज यार मतलब मैं डाल रहा हूँ वैसे और वो पिघल रहा है वो फायर के बाजू में आप आइस रखते हो तो पिघलता है ना वैसे वो मुँह में And this rasa is also quite tasty, like masala milk. It's like thandai actually. Thandai, yeah. Matlab rasmalai bhi khake, thandai bhi. This is very nice. Rasmalai and malai sandwich, these two are my favorite sweets from here. And these are the best sweets, Indian sweets, jo aapko idhar milenge. Okay. Baki ke hamare sweet stall mein bhi alag-alag prakar ke sweets hain. कलाकंद अंजीर पेड़ा बर्फी मिल्क केक काजू कतली सो यू कैन फाइंड अ वाइड वैरायटी ऑफ स्वीट्स हियर सो अभी आपको इंडिया का खाना खिलाता है इंडिया का हमारे मन इंडिया घूम लिया हमने पूरा इंडिया घुमा लिया चारों दिशा सो नाउ लेट अस टेक यू टू इटली एंड द वेस्टर्न कंट्रीज द वेस्टर्न कुजीन कॉन्टिनेंटल सो अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे मंदिर के कॉन्टिनेंटल कुजीन्स एंड इटालियन एंड बेक्ड यहाँ पे बेक्ड आइटम्स बहुत अच्छे मिलते हैं यू नो यहाँ पे जैसे आपने समोसा खाया देयर इज अ बेक्ड समोसा हियर वाओ मतलब जिसको थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस है कि डीप फ्राइड नहीं खाना है दे कैन हैव अ बेक्ड समोसा सो कम लेट अस गो टुवर्ड्स द बेकरी सेक्शन इमिग्रेशन बोला प्रभु मेरे साथ है तो हो जाएगा डायरेक्ट